अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मेरा पहला दिन है इधर सऊदी अरेबिया में, और अभी मैं उठाऊँ और कहना तो मुझे गुड मॉर्निंग था आप लोगों को, लेकिन टाइम चूँकि बहुत ज़्यादा हो गया, एक हो गए हैं, 1:24 हो गए हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त 3:24 हो रहे हैं। फुल जो है ना बाहर धूप है निकली हुई, बंसी अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगा। आँख के बारे में पता नहीं क्या सूरत हाल है आँख की, कभी बेहतर है। और अब क्योंकि एक हो गया तो खाना खाने के लिए चलते हैं, नाश्ते का तो टाइम नहीं है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ तो अगेन कंटिन्यू करता हूँ। ओके जी, तो खाना जो है ना वो आ गया है खुद ही, पास चल के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अभी जो है ना मैं फ्रिज से मैंने पानी की बोतल और गिलास भी मैंने कल फ्रिज के अंदर ही रख दिया था, जैसे गिलास ले लेते हैं। ठीक हो गया, तो उसको कर देते हैं बंद इधर। तो अभी मुझे थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी कि मैं इसको किधर बैठ के खाता हूँ, जगह ढूंढता हूँ, उसके बाद खाने पे मिलते हैं। ओके जी, तो हाथ धो लिए और ये मैंने साइड टेबल को जो है ना थोड़ा सा आगे कर दिया था, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। इस साइड टेबल को मैंने थोड़ा आगे कर लिया और इसके ऊपर मैं खाना खाऊंगा। और कोई टेबल अवेलेबल नहीं था, मुझे नहीं पता है इसमें क्या आया है, अभी तक तो ये बंद पड़ा है। चाचू जो है वो मुझे देकर चले गए खुद, तो अब मैं इसको देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये मेरा सेकंड लंच है जो कि मैं सऊदी अरेबिया में कर रहा हूँ, कल मैं फर्स्ट टाइम लंच कर चुका हूँ। ठीक है, उस वक्त मैं बहुत थका हुआ था तो मैं कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर सका। एक ये आँख जो थी ये कल बहुत ज़्यादा इरीटेट कर रही थी, अभी अल्लाह का शुक्र है कि ये काफ़ी बेहतर है। और स्टार्ट करते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। अच्छा जी, तो जब मैंने इसको ओपन किया ना तो इसके अंदर से ये निकला है। ठीक है, इसको मैं इस टेबल के ऊपर डाल सकता हूँ, और पहले फिर मुझे इसको टेबल के ऊपर डाल देना है। टेबल के ऊपर डाल तो ये डाल गया इसके ऊपर, अब ये सब चीज़ें इधर आ जाएंगी। इसको शॉपर कहते नहीं है, मैंने ये लफ्ज यूज़ कर लिया, लेकिन कहते इसको कुछ और है, फिर जो भी उसको कुछ कहते हैं वो मुझे अब पता नहीं है, याद नहीं है। ठीक है, बाकी इसके अंदर जी ये सलाद है, और इसके अंदर ये क्या है देखते हैं। ये मज़ीद सलाद है और ये ग्रीन चटनी है। ठीक हो गया, बाकी अब ये जो कुछ भी है इसको भी शॉपर से रिमूव कर लेते हैं। जी तो फाइनली मेरे पास ये सब कुछ आ गया, इसको ओपन कर लेते हैं। लग रहा है कि इसमें राइस हो सकते हैं, जिस तरह की इसकी पैकिंग है इसके अंदर राइस ही होंगे। इसके अंदर एक स्पून भी, एक नहीं दो स्पून है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं कि एक स्पून को इधर रख देते हैं और इससे चेक करते हैं इसमें है क्या। इसके अंदर ये तो चने हैं, और इसके अंदर ये क्या है, ये इसके अंदर किशमिश है, रेजिन, ये भी इसके अंदर किशमिश है, ये किशमिश नहीं है, ये कुछ और है, ये कुछ और मुझे इसका नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा। और इसमें क्या है,
इसके अंदर कैरेट्स हैं, सी कैरेट्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर अगेन, तो ये इसके अंदर जो मैं ढूंढ रहा था, इसके अंदर ये एक पीस ऑफ मीट भी है। अभी ये चिकन है या बीफ है या मटन है, नहीं चिकन तो ये है ही नहीं है। तो जी फाइनली दिस इज़ बीफ, यस ये बीफ है, यू सी। तो ये सब कुछ है मेरे पास, तो मुझे अब देखते हैं क्या करना है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो पानी से शुरू करते हैं। मैंने सुबह से कोई पानी वगैरह भी नहीं पिया। मुझे पर्सनली राइस पसंद है एज कम्पेयर टू रोटी या कुछ सी और चीज़ के, चावल मुझे पसंद है। तो होपफुली मज़ा आने वाला है। तो विदाउट एनी डिले, वो भी वेट कर रहा होगा मैंने खांदा क्यों नहीं पिया तो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, एक नवाला जो है ये मैंने ले लिया। आला यखनी का सही प्योरली टेस्ट इसके अंदर से आ रहा है। तो एक जो है ना बिग नवाला जो है ना क्रिएट करते हैं, जिसमें हर एक चीज़ डाल देते हैं। ये इसमें बीफ ले लेते हैं थोड़ा सा, और ये इसके अंदर एक थोड़ा सा इसके अंदर गाजर ले लेते हैं, ये चना अगर मुझे कोई मिल जाए ये, और ये चने भी आप लोग देखेंगे ये बारीक चने हैं, ये वो अफगानी चने नहीं हैं जो कतर में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। इस तरीके के साथ एक फुल फ्लेज नवाला ये बन गया सब कुछ आ गया उसी। तो एक फुल फ्लेज जो नवाला जो मैंने तैयार कर लिया हुआ है, ठीक है, ये जा रहा है। बहुत आला बहुत ज़बरदस्त। जो यखनी इसमें है ना, जो यखनी का टेस्ट आ रहा है वो तो सावर नहीं है टेस्ट में, मिर्चें नहीं है इसके अंदर, हल्का सा नमक और हल्की सी मिठास को जो रेजिन जो किशमिश इसमें डली है, बहुत ज़बरदस्त। हाँ वो याद आ गया मुझे, वो जो मैंने आपको पहले बताया वो एक और चीज़ थी इसके अंदर, उसको कहते हैं जरकश, जरकश भी इसमें डली हुई है। तो वंडरफुल, बहुत ज़बरदस्त। ओके जी, तो मुझे अब ये चेक कर लेना है कि ये क्या है। लग तो मुझे ये कोई दाल टाइप चीज़ रही है, लेकिन इसको चेक करते हैं व्हाट इज दिस। दाल है, दाल है, और इसमें भी बिल्कुल कोई स्पाइसेस इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली बनी है, और थोम का इसके अंदर तड़का लगा हुआ है ज़बरदस्त। और अब ये बारी है इस चटनी की, इट इज़, ये भी ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो अब ऐसा है कि एक फुल फ्लेज जो ये मेरा खाना है दिन का, इसको मैं इंजॉय कर रहा हूँ, होपफुली आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो हालांकि मेरा इरादा नहीं था, मेरा इरादा था जा कर के खाने का। और एक बात, ये बैक साइड पे खिड़की है ना, इसके बिल्कुल नीचे रोड है, तो गाड़ियाँ चल रही हैं, तो अगर कोई चला रही है तो, ठीक है।